नमस्कार और स्वागत है आपका चेंज इंडिया एक्सपेरिमेंट्स विद बिग आइडियाज में। ये एक ऐसा शो है जिसमें हम ऐसे नए सुझावों पर चर्चा करते हैं जो सुनने में तो बड़े सरल लगते हैं लेकिन जिनका प्रभाव बहुत ज्यादा हो सकता है। तो आज ऐसा ही हमारा सरल सुझाव ये है कि हिंदुस्तान में 5,364 MPs और MLAs चुन के आते हैं, उनमें से कई ऐसे हैं 30% या 35% जिनके अगेंस्ट सीरियस चार्जेस हैं। तो हम कह रहे हैं कि एक सिंपल सरल सा रूल बना दीजिए कि जो भी इस तरह से चुन के आता है उसके जितने केसेस हैं वो एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले जाएं। स्पेशल हर स्टेट में दो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएं जिसमें उन लोगों का 6 महीने में कर दिया जाए केस सेटल और उसके बाद उनको 2 अपील अलाउ की जाए हाई कोर्ट में, ऑटोमेटिकली उनकी अपील चले जाए, 2 महीना हाई कोर्ट ले और उसके बाद अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट भी 2 महीने में उसको कर दे। तो 1 साल में या तो उनका चार्ज प्रूव हो जाएगा और उनको इस्तीफा देना पड़ेगा या फिर वो चार्ज नहीं प्रूव होगा और वो क्रिमिनल नहीं रहेंगे। तो ये हमारा जो है प्रभावशाली सुझाव है। से ज्यादा प्रत्याशी जो 2014 के आम चुनाव में 545 सीटों के लिए लड़ रहे हैं उन पर कोई न कोई आपराधिक मामला चल रहा है। इन पर बलात्कार, अपहरण, फिरौती जैसे तमाम आरोप हैं और ये सनसनीखेज खुलासा किया है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने। आंकड़े बताते हैं कि 15वां लोकसभा में 545 सांसदों में 162 सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं जो कुल सांसदों की संख्या का 30% है। कानून किसी प्रत्याशी को चुनाव लड़ने से तभी रोक सकता है जब उसे कोर्ट गुनहगार मान ले, लेकिन अफसोस कोर्ट में इतने ज्यादा मामले हैं कि फैसले आने में सालों लग जाते हैं और सांसदों और विधायकों को मिलाकर जनता के प्रतिनिधियों की संख्या महज 5,364 ही है। इसलिए ये मुमकिन है कि कानून तोड़ने वालों को कानून निर्माता बनने से रोका जा सकता है। हमारा बिग आइडिया ये है कि सिर्फ सांसद और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले निपटाने के लिए एक स्पेशल फास्ट ट्रैक जुडिशियल सिस्टम का गठन हो। तो देखें इस सुझाव को हम किस तरह से अमल कर सकते हैं। नंबर एक, सबसे पहले हर राज्य में 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएं जहां सिर्फ सांसदों, विधायकों या फिर जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके मामलों की सुनवाई हो। दूसरा सुझाव यह है कि प्रतिदिन सुनवाई हो और 6 महीने के भीतर फैसला आ जाए। अगर वो नेता दोषी पाया जाता है तो उसे हाई कोर्ट में अपील का अधिकार तो है लेकिन हाई कोर्ट मामले की सीधी सुनवाई करे, 2 महीने में फैसला दे, ना कि मौजूदा अपील की मंजूरी वाले सिस्टम को अपनाए। और अगर हाई कोर्ट में भी वो दोषी करार दिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार दिया जाए और हाई कोर्ट की तरह सुप्रीम कोर्ट भी 2 महीने में मामले की सुनवाई खत्म करे। इस आइडिया पर बात करने के लिए बैंगलोर से सैटेलाइट लिंक के जरिए जुड़ रहे हैं जस्टिस एन संतोष हेगडे जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं और राजनीतिक व्यवस्था के सुधार में जुड़े एक समाज सेवी हैं। और स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर किरण बेदी जो पूर्व IPS ऑफिसर हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ इनकी लड़ाई अभी भी जारी है। और हमारे साथ मौजूद हैं नेटवर्क 18 के थिंक इंडिया फाउंडेशन के CEO धीरज नैयर। तो पहला जो सवाल है वो यही है कि जो 5,364 लोग हैं वो सुनने में तो कम लगता है लेकिन हमारा जो प्रणाली है वो इतनी इतनी क्लॉग्ड है। तो मैं जस्टिस हेगडे से ये पूछना चाहूंगा कि क्या ये हो सकता है, क्योंकि हम लोगों को जुडिशरी से एक वो सिंड्रम है कि तारीख पे तारीख लगती रहती है, तो किस तरह से ये जो है हो पाएगा, क्लॉग नहीं करेगा सिस्टम को? It is possible to clean up the clogging system in the trial courts, provided the presiding officer is committed to his job and he has been control is kept over him by the superior court of what he really does and why he grants adjournment. And if the superior court calls for report in every case asking how many adjournments have been given and for what, on what ground it has been given, then certainly the presiding officer will be very careful in granting adjournment, and also the lawyers who are appearing from either side of the hill will be careful in asking for adjournment. एनी उसका कुछ ये डेंजर कि अगर हम इतना प्रेशर डालेंगे जुडिशरी पे कि इस टाइम में करिए, इतना जरा अगर हम टाइम का प्रेशर डालेंगे, सो एनी थॉट्स और एनी फियर्स कि जस्टिस कॉम्प्रोमाइज हो सकता है उससे? नो, सर्टेनली नॉट, नथिंग विल हैपन।
it is absolutely necessary that we should bring about this change, because once we start cleansing the system, then everything will fall in line as expected under the statute and all. I think there will be no adverse effect at all. No right of the accused person will be denied by this process. जी जी डॉक्टर बेदी, यही सवाल आपके लिए, डर यही है कि इतना क्लॉक्ड अप सिस्टम है और हमको तो आदत पड़ गई है कि आज अगर केस फाइल करते हैं तो उसकी तारीख लगती है अगले साल, फिर उसके बाद कुछ और साल बाद, तो ये तारीख और तारीख का जो सिंड्रोम है ये कैसे ओवरकम होगा? तारीख लेता कौन है? डिफेंस काउंसिल जी, और कोई नहीं लेता। इसके लिए अगर आपको इसको कामयाब करना होगा तो बार काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल तक आपको इन्वॉल्व करना होगा। इसमें जुडिशरी इसको कैसे डील करती है, क्योंकि बिल्कुल इंडिपेंडेंट है ये। तारीख लेता कौन है? आपने देखा नहीं निर्भय के केस में तारीख पर तारीख को लेना चाहते थे लेकिन मैजिस्ट्रेट ने नहीं लेने दी। तो ये एक तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर वह कितने डिटरमिंड है, और जैसे अब कानून है कि अगर आपने एडजर्नमेंट की और डिले किया, आपने आपको और तारीख और टाइम लेने के लिए हाई कोर्ट से, रजिस्ट्रार से परमिशन लेनी होगी। तो एक प्रेशर बन गया ना प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो पहले नहीं था। So, अब ये बार काउंसिल्स को भी हमको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, विन ओवर करना पड़ेगा, या उनको भी पार्टनर बनाना पड़ेगा इस न्याय और एक्सपेडिशंस के लिए, क्योंकि कई हमारे बार काउंसिल्स के कई परसेंटेज ऑफ लॉयर्स की एडजर्नमेंट ही कमाई है। जी, तो वही एक डर है, वही एक शक है। तो आप कह रहे हैं कि उसको आपको एक मुहिम करनी पड़ेगी, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, उनको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, क्या सख्ती प्रिजाइडिंग ऑफिसर को भी करनी पड़ेगी। तो दूसरा मेरा सवाल था ये कि इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस तो है, अभी तक तो हमने जो भी चर्चा करी है वो जुडिशियल प्रोसेस के बारे में करी है, लेकिन जुडिशियल प्रोसेस से पहले तो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है। तो पुलिस फोर्स एडिक्वेट चाहिए, ऑफिसर्स एडिक्वेट चाहिए, क्योंकि अगर वो इन्वेस्टिगेशन ही टाइम पे नहीं कंप्लीट करेंगे तो फिर जुडिशियरी के पास क्या अगर ये माहौल बनेगा तो पुलिस इसको 100% शामिल हो जाएगी। हर स्टेट के पास क्राइम ब्रांचेस है जी, हर एक की अलग बात है कि क्राइम ब्रांचेस कितनी वेल फर्बिश्ड है, उनकी फोरेंसिक्स की, उनकी सिटी में फोरेंसिक साइंस की लेबोरेटरीज की सपोर्ट है कि नहीं, क्योंकि इसमें मर्डर केसेस या ऐसे केसेस में फोरेंसिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन अगर एक माहौल बनेगा ना, इसमें पुलिस 100% कोऑपरेट करेगी, उसमें पॉलिटिकल विल भी होगी और डीजीपी डिपार्टमेंटल विल भी होगी, एक नया माहौल बनेगा कि हमको एक देश की सफाई की तरफ जा रहे हैं। तो हर एक स्टेट में क्राइम ब्रांचेस हैं, उसमें से अच्छे अफसरों को निकाल के ये काम दिया जा सकता है। तो क्या एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनानी चाहिए? सभी स्टेट्स में एसआईटीज हैं तो वो बना सकते हैं। अगर ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन रिटर्न जो जारी गई और ये पॉलिटिकल विल भी आ गई कि, और अगर इस पर स्ट्रिक्चर भी लगे, अगर डीजीपी को बुला लिया गया कि तुमने ये क्यों नहीं किया है, आप देखोगे ऐसी खिड़की बजेगी, ऐसी बिजली कड़केगी, क्यों केसेस टाइम से हो जाएंगे। तो धीरज, ये देखा, फिर ये बात शुरू में तो थोड़ी डंडे की बात आ गई है कि जब तक या प्रिजाइडिंग ऑफिसर मैजिस्ट्रेट हो, या हाई कोर्ट के जज हो, या स्टेट डीजीपी हो, चीफ मिनिस्टर हो, ये जब तक इसको डंडा नहीं लगाएंगे नहीं तो फिर सिस्टम ढीला हो जाएगा। हम दुनिया में हम शायद एक ही देश है जहां पे फास्ट ट्रैक जस्टिस की बात होती है, बाकी दुनिया में जस्टिस ऑटोमेटिकली फास्ट ट्रैक पे होता है। मुश्किल से मुश्किल केस, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स केस 6 महीने में 8 महीने में 1 साल में हो जाते हैं सॉल्व। तो हमारी भी कोई पुलिस की क्षमता कम नहीं है, हमें भी सब फोरेंसिक टेक्नोलॉजी जो दुनिया में है हम ला सकते हैं यहाँ पे, IT टेक्नोलॉजी है, सब कुछ टेक्नोलॉजी है हमारे पास, बस विल की मात है। और अगर डेडलाइन एक बार दे दी, तो 1 साल की डेडलाइन दी, तो सब जो सिस्टम्स हैं, चाहे वो पुलिस के डीजीपी हो या थानेदार हो, चाहे प्रोसिक्यूशन हो, चाहे प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो ट्रायल कोर्ट का, सब लाइन पे आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि 1 साल में खत्म करना है। और ऐसी कोई बात नहीं है कि जस्टिस सफर होगा, क्योंकि दुनिया भर में ऐसे केस सॉल्व हो रहे हैं, प्रोसिक्यूशन हो रहा है 6 महीने में 8 महीने में, तो भारत की ऐसी यूनिक चीज क्या है, हम बस आदत पड़ गई है कि 20 साल तक चलेगा। वीकेंड कोर्ट्स, रिटायर्ड जुडिशरी को थोड़ा बुला के उनको 2-2 घंटे की इवनिंग, ताकि जो मेन कोर्ट्स हैं उनसे आसान पेटी केसेस ले लिया जाए, उधर दे दिया जाए, ताकि इनके पास टाइम। सो हम जुडिशरी को भी इनोवेटिव और एक्सपेरिमेंटल बनना होगा। एक सवाल इसमें, ये जो इसकी जो इन्वेस्टिगेशन होगी, ये स्टेट के पुलिस के से बेटर होगी या लोकायुक्त लोकपाल इंफ्रास्ट्रक्चर से बेटर होगी? क्योंकि ये एक डाउट होता है कि अगर पुलिस उन्हीं मंत्रीगण को, जो उनके मंत्री हैं या लीडिंग पॉलिटिशियंस हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करेगी तो थोड़ा भय में रहेगी, थोड़ा डर जाएगी, जबकि लोकायुक्त और लोकपाल का जो स्ट्रक्चर है वो कॉन्स्टिट्यूशनली रोबस्ट है। लोकपाल तो बेसिकली फोकस कर रही है एंटी करप्शन,
तो अगर मर्डर केसेस है, रेप केसेस भी तो हैं, ऐसे हीनस ऑफेंसेस भी तो हैं जो लोकपाल के में नहीं आएंगे। लोकपाल एंटी करप्शन बॉडी है। मैं समझती हूँ स्टेट पुलिस सबके पास काबिलियत है, सिर्फ उसमें पॉलिटिकल दखल अंदाजी ना हो तो आपकी देखोगे तफ्तीश ठीक होगी। आफ्टर ऑल निर्भय का केस आपके पास माहौल, आपके पास उदाहरण है, शक्ति मिल्स का केस है और मुझे मालूम है बहुत और ऐसे केस है। राजस्थान पुलिस ने एक महीने में रेप केसेस को, एक फ्रेंच का किसी का, एक लड़की जर्मन का हुआ था, एक महीने में कन्विक्शन। तो सभी स्टेट्स के पास काबिलियत है, सिर्फ दखलंदाजी ना हो और बार काउंसिल भी जरा कोऑपरेट करे। जी राइट। सो आपने देखा कि सारा कंसेंसस यही है कि अगर इसको अनवेवरिंगली बिना शक के, बिना अपने आप में घबराए हुए अगर प्रणाली इसको करती है तो ये हो सकता है। इस वक्त हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो इस चर्चा को आगे देखेंगे कि इसको अब किया किस तरह जा सकता है। तो हमारे साथ बने रहिए। स्वागत है आपका चेंज इंडिया एक्सपेरिमेंट्स विद बिग आइडियाज में। आज हम जिस सुझाव की चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि अपने राजनीति को अपराधीकरण से मुक्त करने के लिए एक सिंपल और पावरफुल आइडिया ये है कि जो भी हमारे एमपी और एमएलए इलेक्ट होके आते हैं उनके अगेंस्ट जो भी चार्जेस हैं उनको एक साल में ट्रायल कोर्ट लेवल पे, हायर कोर्ट लेवल पे और सुप्रीम कोर्ट लेवल पे हैंडल कर दीजिए। तो उससे अपने आप एक तो डर पैदा होगा और दूसरा जो कन्विक्ट हो गया उसकी तो सीट चली जाएगी। जस्टिस हेगड़े, मैं एक हमने जो सुझाव यहां पे दिया है वो ये है कि ट्रायल कोर्ट जो है वो तो 6 महीने में डिस्पोज ऑफ करे केस और फिर उसके पास 2 लेवल अपील हो। हाई कोर्ट में भी हम कह रहे हैं कि अपील ऑटोमेटिकली एडमिट होके हियरिंग में चला जाए, एडमिशन पे ज्यादा टाइम ना वेस्ट किया जाए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पे जाए। तो क्या आप इससे सहमत हैं? No, I think appeal to the Supreme Court is an unnecessary thing. Only one appeal should be there. There should be no revisional provisions in between, and the trial court should dispose of the case, let us say 6 months, and the High Court should dispose of the case in 2 months thereafter. The admission stage should be done away with. Any person wanting to file an appeal should give a notice to the prosecution or whoever the opposite side is, and the matter should be listed straight away for hearing by the appellate court and should be disposed of within 2 months thereafter. I think this is a change which may sound drastic, but without drastic steps nothing will change. Dr. Bedi, ye to ek काफी एक मानसिक रीओरिएंटेशन हमारे नेताओं को करनी होगी अगर आप कहेंगे कि सिर्फ एक लेवल ऑफ अपील होगा। तो आपको लगता है इसका विरोध होगा? और विरोध होगा तो मेरे को डर यह है कि विरोध से फिर रिव्यूज चले जाएंगे, फिर बेंचेस बैठेंगे, फिर उसका और रिव्यू होगा तो फिर यह मामला अटक जाएगा। देखो, कानून हमको मिल चुका, सिर्फ पार्लियामेंट उसको पास करना है, क्योंकि 10 जुलाई की सुप्रीम कोर्ट जजमेंट सीधा कह रही है आपको कन्विक्शन हुई, आप अगर 2 साल की सजा से ज्यादा है तो आप एमएलए एमपी नहीं रह सकते। मैं समझती हूँ इससे हम शुरू करें जी। और माहौल बनाए, अगर माहौल बनता है, क्योंकि एक सेकंड अपील सिर्फ इसी के लिए क्यों रोको? और भी बड़ी मुसीबतें हैं जिनको, ताकि हमारे सुप्रीम कोर्ट भी क्लॉगिंग जो हुई है वो खत्म हो। इट्स नॉट जस्ट दिस, इसको आइसोलेटेड मत समझे, और भी छटाई करने की जरूरत है। तो इसका मतलब एक नया जुडिशियल रिफॉर्म सिस्टम जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी ट्रैफिक से बचे, क्योंकि गवर्नमेंट सबसे बड़ी एपिलेंट है, गवर्नमेंट अपील पर अपील भी करती है अपनी स्किन बचाने के लिए। सो ये एक माहौल नया है, इसको अलग रखें, लेकिन ये जो इम्प्लीमेंटेशन है 10 जुलाई की जजमेंट उसको शुरू करें। और अगर फिर भी अपील पर जाता है, अरे एमपी एमएलए तो नहीं रहा ना, उसकी बहस में तो शामिल नहीं है, तो वो तो हमारा मकसद हल हो गया, लेकिन इस पर ना अटक जाए मेरा ये व्यू। एक और डर है इसमें, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस कह लीजिए, कि अगर एमपी एमएलए पे तो हम ये प्रणाली लागू कर देंगे और बड़ी सख्ती से करेंगे, तो हो सकता है कि जो क्रिमिनल एलिमेंट है वो कहेगा इस लेवल पे तो मैं अब नहीं जाऊंगा क्योंकि यहां पे फंस सकता हूं। तो वो जो है लोअर लेवल जो चुनाव होते हैं, जिला परिषद के हैं, पंचायत के हैं, तो वो शायद वहां पे कॉन्सेंट्रेट करना शुरू कर दे और वहां पे नंबर इतने ज्यादा हैं कि वहां पे जल्दी आप रिफॉर्म नहीं ला पाए। लेकिन एरिया बड़ा छोटा है जी, नंबर अगर ज्यादा है तो एरिया छोटा है, एक गांव का प्रधान का एरिया छोटा है, एक कॉर्पोरेट का एरिया छोटा है, सो वो रॉबिनहुड होगा बड़ा जबरदस्त जो जीतेगा। कितने रॉबिनहुड होंगे? मैं समझती हूँ इनको जूते पड़ेंगे और इनको पत्थर पड़ेंगे। आज का जो नया माहौल आ गया है, आप आसानी से लोग ऐसे क्रिमिनल को वोट नहीं देने वाले। धीरज, आपकी प्रतिक्रिया?
देखिए दादा, इसमें एक वर्चुअल साइकिल भी बन सकता है, क्योंकि अगर आप देखें 162 एमपी जो लोकसभा खत्म हो रही है, 543 में से क्रिमिनल या कोई भी चार्जेस थे उनके खिलाफ, अगर डिस्क्वालिफाई होने लगे जी, तो पार्टी लीडरशिप को भी चिंता होगी, अगर आपके 20 एमपी डिस्क्वालिफाई हो गए तो आप सत्ता में कैसे रहेंगे जी। तो ये पार्टी लीडरशिप के लिए फिर भी इंसेंटिव होगा कि क्रिमिनल को टिकट ना दिए जाए जी। तो ये साइकिल क्रिएट करना बहुत जरूरी है। तो अगर आप एक साल में, दो साल में छांट दें, 50-60 एमपी डिस्क्वालिफाई हो जाए जी, और जो सत्ता में पार्टी हो चाहे ऑपोजिशन में हो, उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाए, उनकी ताकत कम हो जाए इस वजह से, तो उनको खुद लगेगा कि अगली बार हम इनको नहीं देते टिकट, क्योंकि टिकट देके जीतेंगे, एक साल में डिस्क्वालिफाई हो जाएंगे, हमारी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये लीडरशिप में भी एक इंसेंटिव क्रिएट करेगा जो अभी नहीं है। अभी तो क्योंकि बोलते हैं पार्टी लीडरशिप, अरे विनेबिलिटी है, इसका कास्ट है, ये है वो, चार्जेस प्रूव नहीं है, तो ये सब बहाने, बहानेबाजी हटा दीजिए बस। उनका जो भी केस है उनको एक साल में खत्म करिए, गिल्टी है या नहीं गिल्टी है, और उसका वर्चुअस जी, और साथ में अवेयरनेस जनरेशन भी हमारा काम है। ये इलेक्शन कमीशन भी प्ले करे रोल, राइट? इलेक्शन कमीशन एक जैसे वोटर के लिए अवेयरनेस करती है, ये भी अवेयरनेस करे, और सिविल सोसाइटी भी अवेयरनेस करे कि अब क्रिमिनल को वोट नहीं देना है, चाहे कोई भी लेवल हो जी। जस्टिस हेगड़े, आपने आपे सुना यहाँ पे जो विचार थे, तो मैं आपसे भी वही पॉइंट उठाना चाहूंगा कि ये एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। जैसे मैं उदाहरण दूं एंटी डिफेक्शन लॉ का, उसका बहुत अच्छा और एक नोबल इंटेंशन था, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन ऐसा हुआ है कि आज वही लॉ इज बीइंग यूज्ड कि लोगों को दबाया जाता है, उनकी आवाज को दबाया जाता है। तो इसका एक ये नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ना हो कि जो क्रिमिनल एलिमेंट है वो नीचे वाले क्षेत्र में चला जाए, जिला परिषद और पंचायत में चला जाए। No, certainly it will not be there. In the beginning, yes, there may be some unintended effects, but in due course it will change the thing. I agree with the other gentleman, Mr. Deepak, I think, is that it will have its own effect. Take, for example, when Anna's movement was going on strongly, many of the powerful people like minister, chief minister of two states and railway minister in the center, they had to resign because of the allegation made against them. Right. But when the movement closed down, everything changed. The only question for the political parties was winnability. Right. And all those people who were not given seat, irrespective of the political parties, they have been given seat on the basis of winnability. Right. Now, if that this thing is it goes away, for example, now if Nota becomes very popular and the voters don't vote for it, the concerned political parties will not give them seat in the next election. Right. The changes will come. It may come drastic fast or it may come slowly, but that should not deter us. डॉक्टर बेदी, एक तो हम तो कह रहे हैं कि जैसे धीरज ने भी बोला कि पार्टी शायद उनको टिकट ना दे, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जो टिकट लेने वाला है वो कहेगा मैं कहाँ फंस रहा हूँ। हाँ, अगर मैं क्रिमिनल हूँ, हाँ, तो मेरे पे तो केस जल्दी हो जाएगा, तो खुद ही शायद टिकट ना मांगे। बिल्कुल, और मैं पैसा क्यों वेस्ट करूँ, मेरा सारा वेस्ट हो जाएगा। एक तो मेरी बदनामी और हो गई, क्योंकि ज्यादा लोगों को पता चल गया, उसको एफिडेविट में भी भरना है जी, ये कंपल्सरी है ना, एफिडेविट में भी भरना है, तो साथ में मेरी बदनामी भी हो गई, मेरा पैसा भी चला गया। तो ये प्रॉब्लम ये है कि इनके लिए एडवांटेज ये था अभी तक कि पॉलिटिकल करियर अगर आप 20-30 साल का माने चलता है, तो 30 साल में तो केस चलता है, तो चले तो उसको खत्म करना बहुत जरूरी है। जैसे हमने देखा कि आइडिया सरल है, पावरफुल है, और इसका एक एडवांटेज ये हो सकता है कि जो टिकट, जो क्रिमिनल टिकट चाहता है, वही कहे कि मुझे टिकट नहीं चाहिए, तो सबसे बड़ी इसका पॉजिटिव होगा। मैं अपने गेस्ट का शुक्रिया अदा करता हूं, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस शो विद अस।